युवा कांग्रेस में चुनाव पूरे होने से पहले ही फर्जीवाड़ा पनप गया है। फ्लैग फेक मेंबरशिप ने चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात से चौंका है कि जब 5 दिन में 5 लाख सदस्य बन गए थे, अब IYC का सॉफ्टवेयर फेक मेंबर्स को डिटेक्ट करके सदस्यता से वंचित करेगा। पूरे घटनाक्रम के कारण अध्यक्ष पद के वो प्रत्याशी IYC नेतृत्व के रडार पर आ गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक फेक मेंबरशिप कराई है। रिपोर्ट देखिए। युवा कांग्रेस का चुनाव जारी है सदस्यता अभियान। जो सदस्य बनता है उसे युवा कांग्रेस के मोबाइल सॉफ्टवेयर के सामने अपनी आवाज में अपना नाम बोलना पड़ता है। यहीं से फर्जी सदस्यता को पकड़ा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे युवा कांग्रेस नेतृत्व को पता लगा कि फेक मेंबरशिप हो रही है। जैसे ही यूथ कांग्रेस की सदस्यता 5 दिन में 5 लाख पहुंच गई, वैसे ही युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की आंखें खुली। युवा कांग्रेस के प्रभारी मोहम्मद शाहिद का राजस्थान दौरा हुआ। शाहिद ने PCC में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को दो टूक कहा कि जो फेक मेंबरशिप कराएगा उसे चुनावी आचार संहिता के तहत अयोग्य करार दे दिया जाएगा। आखिर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को जागना पड़ा। राजस्थान की युवा कांग्रेस में अभी चुनावी मौसम है। जो सर्वाधिक मेंबरशिप कराएगा वो चुनाव जीतेगा, प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी वो ही पहुंचेगा। जबकि युवा कांग्रेस के चुनाव का साफ उद्देश्य है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़े उसे ही सदस्य बनाएं, राहुल गांधी के विचारों को युवाओं के बीच लेकर जाएं। फेक मेंबरशिप की खबरों ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चौंकाया, क्योंकि नागौर, बीकानेर और चूरू से सर्वाधिक फर्जी वोटों की खबरें सामने आई। धन बल के व्यापक इस्तेमाल की खबरें सामने आई। युवा कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है। दिग्गज नेताओं ने युवा कांग्रेस से निकलकर देश और प्रदेश की सियासत में नाम कमाया। आज कुछ दिग्गज तो लोकसभा के सांसद हैं। राहुल गांधी जब कांग्रेस की राजनीति में उदय हुआ तब उन्होंने युवा कांग्रेस और NSUI में चुनावी सिस्टम के जरिए पदाधिकारी बनाने की ठानी। लिंग दोहो को उस चुनावी सिस्टम से जोड़ा गया जिससे नए युवा कांग्रेस से जुड़े और सदस्यता ले। इससे फायदा भी हुआ, लेकिन आगे चलकर इस चुनावी सिस्टम के दुष्परिणाम सामने आने लगे। सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि आपसी बंधुत्व की भावना को ठेस पहुंची। पिछले युवा कांग्रेस के चुनावों में मुकेश भाकर और सुमित भगासरा के बीच का विवाद सबके सामने है। बहरहाल फेक मेंबरशिप रोकने के उपाय की बात करें तो स्क्रूटिंग में फेक मेंबर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस का सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा फेक मेंबर्स को। इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व ही युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद की घोषणा करेगा। आपने और हमने अक्सर ये सुना है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल होता है और चुनाव को प्रभावित किया जाता है। लेकिन यह असरज की बात है कि किसी संगठन के चुनाव में, यूँ कह सकते हैं कि जो पौध आगे जाकर राजनीति करने वाली है उसके शुरुआत में ही अगर ये तमाम चीज़ें देखने को मिल जाए तो उस चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव इन्हीं सब बातों को लेकर इंगित करता है और ये सवाल उस यूथ कांग्रेस के सामने खड़ा करता है जिस यूथ कांग्रेस को संजय गांधी जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाने का काम किया था। और आज हालत ये है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में और चुनाव के ज़रिए जो सदस्यता हो रही है उस सदस्यता को प्रभावित करने के लिए धन बल का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालत यह है कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस को राजस्थान की यूथ कांग्रेस के चुनाव में दखल देना पड़ा है और अब तलाशा जा रहा है उन उम्मीदवारों को और उन नेताओं को जिन्होंने फर्जी सदस्यता कराकर पूरे चुनावी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। कैमरा जर्नलिस्ट गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।